नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड यहाँ पर JSLPS रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि JSLPS के द्वारा जो है जो रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया था सितंबर और अक्टूबर में, उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड में सबसे पहला ही आपको नोटिस दिख जाएगा JSLPS बैकलॉग वैकेंसीज, इसमें रीड मोर पर क्लिक करना है। ये जो है रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है JSLPS का, और अगला राउंड के लिए जो है सारा प्रक्रिया अभी नहीं दिया गया है, वो दिया जाएगा। अभी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए L3 और L4 के लिए 60 नंबर का 60 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और L5 के लिए 50 मार्क्स था। तो ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कि पहले ही पता था आप लोगों को, 0.25 हर रॉन्ग आंसर पर था। और ये यहाँ पर देखिए कट ऑफ दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया है, वही कट ऑफ को उठाया गया है यहाँ पर। सेम वही चीज़ है, जनरल के लिए 40%, BC2 के लिए 36.5, BC1 के लिए 34, ST/SC के लिए 32, और हैंडीकेप और वोमेन के लिए 32%। ये यहाँ पर जो है कट ऑफ रखा गया है JSLPS का, जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसी के ग्राउंड पर जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये दिया गया है, आपका जाके अगर कोई ग्रीवांस है, जैसे कि आपका OMR सीट और एंसर सीट ये दोनों को मैच करने के बाद, और यहाँ पर जो JSLPS ने रिजल्ट जारी किया है उसके बाद अगर कुछ अगर ये है, तो आप उसको 4 तारीख तक जो है मेल कर सकते हैं इस मेल पर JSLPS.seats@gmail.com, इसमें मेल कर सकते हैं कुछ भी अगर आपका ग्रीवांस है तो। यहाँ पर देखिए रिजल्ट का यहाँ पे अलग अलग पद वाइज यहाँ पे दिया गया है सारा चीज़, आप लोग इसको देख सकते हैं। जो भी रिजल्ट आपको देखना है जिस भी पोस्ट का, उसको सिंपली आपको जो है, जैसे अगर BPM का है तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इसमें क्लिक करेंगे तो एक PDF जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए इसमें जो रिजल्ट दिया गया है, रोल नंबर, उसके बाद जेंडर, फिर उसका कैटेगरी दिया गया है, ये दिव्यांगजन क्या है, दिव्यांगन क्या है, मतलब ये अगर कोई है तो अप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल रहेगा। डोमिसाइल दिया गया है, ये इस तरह का रिजल्ट जो है पहली बार जो है JSLPS द्वारा प्रकाशित किया गया है, कि रिजल्ट में जो है ये बताया जा रहा है कि कौन किस स्टेट के हैं, जैसे कि यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये स्टेट का ज़्यादा दिख रहा है, झारखंड का ज़्यादा है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट जो था 50 नंबर का, उसमें कितना स्कोर किया गया है वो है, और रिमार्क्स जैसे कि इनका है BC1 है, ये जो है 32.5 नंबर से इसका आया हुआ है BPM में, और ये जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी से अभी सबसे टॉप में नंबर लाए हुए हैं। ये यहाँ पर नंबर वाइज जो है दिया गया है सारा डिटेल, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ये इधर जो दिखा रहा है आपका, ये कौन सा कैटेगरी है और इधर आप कौन सा कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं वो है, मतलब नंबर आपका ज़्यादा है तो डायरेक्ट वो, 20 नंबर से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट वो जनरल में चले जा रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट रहे। और नीचे देखिए यहाँ पे BPM पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमको लगता है करीब करीब 1000-1200 के करीब जो है इसमें जो है क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए और देखिए यहाँ पे जो है इसके बाद नीचे जो है 1037 जो है BPM का के लिए जो है क्वालिफाई किया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर नॉट क्वालिफाई का अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए नॉट क्वालिफाई 19.75 जो है यहाँ से जो है शुरू है, जिसका काम जिस हिसाब से नंबर है उसको नॉट रिकमेंडेड किया गया है। यहाँ 1038 से इधर जितना भी नाम है ये नेक्स्ट राउंड के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो 1037 जो है आपका जाके BPM के लिए किया गया है। इसी तरह अलग अलग पद का जो है आप देख सकते हैं, अपना यहाँ पे रोल नंबर को सर्च करके जो है देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो है डिसक्वालीफाइड जो है कैंडिडेट फॉर नॉट मेंशनिंग देयर क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ पे देखिए इतना कैंडिडेट जो है ये आपका जाके वो क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट नंबर रहता है वो ABCD वो जो है मेंशन नहीं किए थे, जिस कारण से जो है उसका रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया गया। करीब करीब इसमें जो है 58 कैंडिडेट थे जो कि
अपना जो उसका सीरीज था वो नहीं वहाँ पे दिखे थे। इस तरह से आप लोग जो है रिजल्ट देख सकते हैं इसका अलग अलग करके। अगर कुछ किसी का अगर ये है कम नंबर आया है तो उसको आप लोग मेल कर सकते हैं 4 जनवरी तक। और अभी जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का ये होने वाला है। अभी उसका जो है कुछ नहीं दिया गया है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही यहाँ पर 4 जनवरी तक जो यहाँ पे दिया गया है ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का भी शेड्यूल बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाए। जो भी पास किए हैं उसको बधाई, और जो जिनका नहीं हुआ वो हताश ना हो। अभी और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है CCFTC जिला लेवल की, तो आप लोग तैयार रहे। और जिनका हुआ है वो आगे के लिए जो है तैयार रहे। बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग सभी तैयार रहिए और तैयारी में जुड़ जाइए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का। कुछ वीडियो में देने का कोशिश करूंगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आप लोग जो है जुड़ जाइए, चैनल में बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।